हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड द्वारा जारी किया गया मार्च 2024 के लिए प्रैक्टिस पेपर है। इससे पहले मैंने आपको एक सैम्पल पेपर और सॉल्व करके बताया था। यहाँ पर ये सिंपल जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो दी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। सब पेपरों में एक जैसी हों, और यहाँ पर जैसा कि परिवर्तन दिया गया है उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे, क ख ग और य। जो खंड क है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, और जो खंड ख है उसमें 5 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, खंड ग में 26 से 31 3-3 नंबर के, और खंड घ है उसमें 32 से 35 तक के 5-5 नंबर, और खंड या में 36 से 38 तक के 4 प्रश्न, 3 प्रश्न 4-4 अंक के हैं। ये केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, इस बार नए डाले गए हैं। ठीक है, और इंग्लिश में दी हुई है इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी लिखा है उन्होंने, खंड खंड क में जो है 1 से 20 तक के 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अब सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यदि 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, m का मान ज्ञात कीजिए। इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। कि अगर 65 के हम गुणनखंड बनाएंगे क्या बनेंगे, 13 पंजे 65, ठीक है, और 117 के गुणनखंड क्या बनाएंगे, 13 नम्मा 117 हो तो 13 तो 1 आ गया, और 3 गुना 3 1 आ गया। मीन्स HCF कितना आ गया हमारे पास, 13। HCF कितना आ जाएगा हमारे पास, 13। अब जो 13 HCF है उसको हमने 65m माइनस, अब देखिए यहाँ इसको हम 65m माइनस 117 बराबर 13। 117 की साइड शिफ्ट कीजिए, और जब साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन भी शिफ्ट होगा, चेंज होगा, और 65m बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 130 के, और m बराबर कितना आ जाएगा, 163 65। कट कीजिए, आंसर क्या आ गया हमारे पास, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। देखिए, यदि पी स्क्वेयर बराबर 32/50 है तो पी है संख्या, अंक, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। पी स्क्वेयर अब इज इक्वल टू 32/50, देन फाइंड द पी। पी क्या होगा, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। हमने करना क्या है, यहाँ पर पी स्क्वेयर दिया है 32/50, जब पी फाइंड आउट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, रूट 32/50। ठीक है, तो अगर हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ से ये 2 से कट हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और 50 जो है 2 से कट करके 25 आ जाएगा। अब 6 का जो वर्गमूल होता है 4 है, और 25 का 5, तो प्लस माइनस 5। आपने प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना है, कई बार आपसे वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है तो बच्चे जो है वो खाली प्लस वाला लिखाते हैं। यहाँ प्लस माइनस का आपने ये ध्यान रखना, जब भी स्क्वेयर से आप वर्गमूल निकालोगे तो प्लस का भी आंसर होता है और माइनस का भी आंसर होता है। अब बताना, ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है या अपरिमेय। 4/5 अपरिमेय नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, ये पूर्णांक भी नहीं है, तो क्या है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर है, क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, सी हमारा यहाँ एक द्विघात सही आंसर। बहुपद हाँ, जिसके शून्यक -3 और 4 हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज -3 एंड, अब देखिए अल्फा दिया हुआ है -3 और बीटा दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज कर लेंगे पहले हम, आ गया हमारे पास 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, -12। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस
ऑफ जीरो, ठीक है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस ये आ गया, और अल्फा प्लस बीटा कितने बराबर है, वन के, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, माइनस 12 के, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको कितनी उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन सेम तो दिया है, परंतु यहाँ माइनस 12 की जगह प्लस 12 दे दिया, इसका मतलब ये तो गलत है। यहाँ पे दोनों प्लस के दे दिए, ये भी गलत हो गया, हमारे पास दोनों माइनस के हैं। अब दोनों माइनस के तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, परंतु वो हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे 6 है, हमारे पास 12 है, परंतु अब उन्होंने क्या किया है, इन सबको डिवाइड करके यहाँ पर लिखा है, और वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6, इट मीन्स सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। इसी प्रकार के नेक्स्ट परिवर्तन क्वेश्चन आपको यहाँ देखिए। पर देखने को मिलेंगे। खास समीकरण 2x² माइनस अंडर रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 के इन वास्तविक समान वास्तविक नहीं होगा, या दो से अधिक वास्तविक। अब दो से अधिक तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पावर 2 है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास रूट होते हैं मैक्सिमम 2। अब यहाँ पूछा उन्होंने टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, या टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, या नो रियल रूट्स आएंगे, हमने क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लेते हैं, स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी कितना है यहाँ पे हमारे पास, अंडर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वेयर माइनस 4, ए कितना है और सी कितना है, 1। 5 का स्क्वेयर, अंडर रूट 5 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 हम डायरेक्ट 5 ही लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8, मीन्स कितना आ गया, माइनस 3। डी क्या हो गया, डी की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, डी की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, जब डी की वैल्यू 0 से कम होगी देर इज नो रियल रूट, ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर होगा, इसका कोई वास्तविक नहीं है। देखिए दो एपीज का सामान्य अंतर समान है, इनमें से पहला पद माइनस 2 है, पहले का पहला पद माइनस 2 है और दूसरे का पहला पद माइनस 6 है, के पांचवें पद के बीच का अंतर है। एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज माइनस 2 एंड दैट ऑफ अदर इज माइनस 6, देन द डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ टर्म इज। अब आपने क्या ध्यान रखना, मान लीजिए हम यहाँ पे एपी स्टार्ट करते हैं, ये माइनस 2 और दूसरी एपी स्टार्ट करते हैं माइनस 6, तो हमें कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, कितना डिफरेंस नजर आ रहा, सेकेंड टर्म में 4 डिफरेंस आएगा, थर्ड में भी 4 आएगा, फिफ्थ में भी, टेंथ में भी, हंड्रेड में भी, थाउजेंथ में भी, कॉमन डिफरेंस इसका जो अगर यहाँ पर का 4 आ रहा है डिफरेंस, तो 1000वीं टर्म का भी वही होगा, 5वीं टर्म का भी वही होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। वह बिंदु माइनस 2 माइनस 5 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ठीक है। अब लंब समद्विभाजक, अब समद्विभाजक क्या होगा, समद्विभाजक मैंने बाइसेक्टर, ठीक है ना, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। अब इनका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, यानी कि माइनस टू प्लस टू माइनस फाइव प्लस फाइव अपॉन टू, ये भी जीरो ये भी जीरो, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, ऑप्शन ए जीरो इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ के समरूप है और एंगल ए 47 है, एंगल ई 83 है, तो सी क्या होगा, इफ एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, एंगल ए इज 47 ई इज 83, देन फाइंड आउट एंगल सी। आपने कैसे याद रखना, देखिए अगर ए बी सी और डीईएफ के सिमिलर है तो ए का एंगल E के बराबर होगा, B का एंगल E के बराबर होगा और C का एंगल F के बराबर होगा, ठीक है। A हमें दिया हुआ है, अब E किसके बराबर होगा, B के। आप यहाँ इसको बना के भी देख सकते हैं इस प्रकार,
रफ आकृति यहाँ बना लीजिए, क्या आ जाएगा? ए बी सी, और ये होगा डी ई एफ। ए कितना दिया हुआ है हमें? 47। और ई कितना दिया हुआ है? 83। अगर ई 83 है तो बी भी 83 होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रायंगल के जो तीनों कोण हैं उनका जोड़ 180 होता है। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। 180 में से आपने 47 और 83 का सम घटा देना है, ठीक है। ये आ जाएगा 180 माइनस 180 माइनस, इन दोनों को सम करें कितना आ जाएगा? 130। और दोनों को घटाए क्या आएगा? 50। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ सही आंसर हो। अब नेक्स्ट देखिए, उन्होंने बोला है यदि बिंदु पी से ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी एक दूसरे को 80 के कोण पर एंगल पी ओ ए बराबर है। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80, देन फाइंड पी ओ ए इक्वल टू। हमने पी ओ ए फाइंड आउट करना है। अब आपने यहाँ क्या ध्यान रखना दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर में हो या 3 नंबर में हो, हमें तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, प्रूव करके बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट आपको समझा देते हैं। देखिए जैसा उन्होंने कहा है, ये सर्कल हो गया हमारे पास, ठीक है, इसका सेंटर हो गया ओ, और ये पी ए और ई टेंजेंट्स होगी, स्पर्श रेखाएं होगी, ठीक है। इसको यहाँ पर ज्वाइन करा देते हैं। आपने हमेशा ध्यान क्या करना, ये एंगल जो है वन लेते हैं, ये 90-90 के, अगर ये 90-90 के हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए पी बी ओ एक चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये एंगल हमारे को 380 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, 80 डिग्री का दिया हुआ है ना, ये 80 है तो ये सामने वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 का, ठीक है ना। इसको मैं एंगल 3 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, एंगल 3 कितने का दिया हुआ है हमें? 80 का। एंगल 4 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80, 100 का, ठीक। अब उन्होंने पूछा क्या है? पी ओ ए, पी ए यहां से लाइन आएगी है, मीन्स इसका हाफ, ठीक है, 4 का हाफ कितना हो जाएगा? यानी कि हाफ ऑफ 100, दैट इज एंगल पी ओ ए आएगा, वो 50 डिग्री का आएगा, और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, अगर यही है 4 नंबर में आएगा तो हमें यहाँ पे पी ओ ए और पी ओ बी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु डैश कहलाता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट में देखिए, 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अब 10 30 आपको क्या ध्यान रखना, वैल्यूज तो आपको याद भी रहनी चाहिए, ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वेयर, ठीक। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये अपॉन एज इट इज 1 प्लस 1 अपॉन 3। आपने 2 अपॉन अंडर रूट 3 को अभी एज इट इज लिखना है, और नीचे वाले को जब सम करें, कैसे सम करते हैं? 3 से इसको मल्टीप्लाई करा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, जो हमने एज इट इज लिख लेना है और नीचे वाले को क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है, 2 एकम 2 4। अब अंडर रूट 3 और 3, आपको क्या ध्यान रखना, अंडर रूट 3 के 2 फैक्टर होते हैं, अंडर जो 3 है उसके 2 फैक्टर हो जाएंगे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। जब इसको हम इससे काटना चाहेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? √3 है इसकी वैल्यू जाएगी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट ए का मान सदैव 1 होगा, 1 से कम होता है। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए ऑलवेज लेस देन 1।
आपने टेंजेंट की वैल्यूज याद रखनी है। टेंजेंट 0 0 होता है, टेंजेंट 31 अपॉन अंडर रूट 3 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है और टेंजेंट 60 अंडर रूट 3 होता है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये वैल्यूज तो एक से ज़्यादा हैं, ये एक है और ये एक से ज़्यादा है, की बात ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये गलत बात बोली है इन्होंने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ट्रायंगल एबीसी में सी पर समकोण है तो एंगल कॉस ए प्लस बी का मान होगा। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल डेट सी। अब सी पर क्या बताया इन्होंने, राइट एंगल बताया, हमने ए और बी का सम बताना है। अगर ये राइट एंगल है तो ए और बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 90 किसके बराबर होता है, हमेशा के बराबर, किसके बराबर होता है कॉस 90। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया हुआ है इसको, माँ क्या आपको पता है। अब नेक्स्ट में देखिए, त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के कोण ई वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। अब सेक्टर का फार्मूला क्या होता है त्रिज्या खंड का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर। अब स्क्वेयर वाले देखो यहाँ पर कितने हैं, ये सिंगल आर वाला है इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये सिंगल आर वाला है इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब स्क्वेयर वाला हमारे पास एक तो बी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। अब हमें बी ऑप्शन में क्या नजर आ रहा, हमें चाहिए 360, यहाँ पे क्या है 180। ये भी ऑप्शन हमारा सही आंसर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास डी ऑप्शन सही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहाँ 2 लिख दिया और 2 को यहाँ पर 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 70 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में यदि एक चाप 60 पर कोण बनाती है तो चाप की लंबाई ज्ञात की। इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 70 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर देन लेंथ ऑफ आर्क इज। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या करते हैं, तो हमारे पास वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्या के हम थीटा बटा 360 लगा लेते हैं। अब थीटा हमारे पास 60 दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन 360 इनटू इनटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर कितना हो जाएगा, हमें यहाँ डी दिया हुआ है, ठीक है ना, 70 है, और आर कितना हो जाएगा, 70 अपॉन 35, 35 आ जाएगा, यहाँ 35 लिख लेंगे हम, 60 से इसको कट करेंगे 5 आ गया, और 60 से इसको कट किया 6 आया, कट करेंगे 3 आ जाएगा, और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 110 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 3 या 9 बच के 2, 3 छक्का 18 बच के 2, 18, ये बार बार 6 6 आता रहेगा सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ 110 बटा 3 भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो सिलेंडरों की त्रिज्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, की ऊंचाई 3:5 के अनुपात में है, के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। द रेडियाइज ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 एंड देयर हाइट्स आर इन रेशियो 3:5 देन रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर एच, ठीक है, और उसका रेशियो किसके साथ निकालना हमने, दूसरा 2 पाई, जो दूसरा सिलेंडर दिया हुआ है, बड़ा आर बड़ा एच कर लिया मैंने, ठीक है। पहले वाले की त्रिज्या को मैंने कैसे माना, देखिए 5x, और दूसरे वाले की त्रिज्या को मान लिया 7x, पहले वाले की ऊंचाई को 3x मान लिया, दूसरे वाले की ऊंचाई को 5x मान लिया। अब आप यहाँ देखेंगे 2 पाई से 2 पाई तो ऐसे ही कट गया, ठीक। अब यहाँ आर कितना है पहले वाले का, 5x, और दूसरे वाले का कितना है, 3x, रेशो और ऊंचाइयाँ, सॉरी यहाँ पर ऊंचाई लिख ली 3x, और दूसरे वाले का आर कितना है, 7x, और ऊंचाई है 5x। ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा, ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा, इस 5 से इस 5 को काट दो, तो रेशो क्या बच गई हमारे पास, 3:7, क्या बच गई, 3:7, ये हमारे पास 15th सम था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार करें, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होगी। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज,
अब हमने क्या करना, माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईसीएफ निकालते हैं ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो 13 का 13 लिख लिया, 13 में 10 प्लस कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास 23, 23 में 15 जोड़ के कितना आ जाएगा 38, 38 में 8 जोड़ के कितना आ जाएगा हमारे पास 46, और 46 में 11 जोड़ के आ जाएगा 57। अब 57 का आधा कितना हो जाएगा, आ जाएगा क्या क्या 8, 28.5। 28.5 कहाँ मिलेगा हमें, ये देखिए 12 से 17 वाली रेंज में मिलेगा, ठीक। अब उन्होंने क्या पूछा, उसकी ऊपरी सीमा पूछी है। अब ऊपरी सीमा 17 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 17.5, अगले में 18 जाएगा ना, 17.5 तक यहाँ लेंगे, और 17.6 से आगे अगली उसमें लेंगे। आपने फिफ्थ में भी सीखा होगा, जब डेसिमल निकालते हैं अगर लास्ट का अंक 5 से बड़ा हो तो हम अगली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 17.5, 17.5 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम देखिए, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य 12 और माध्यक 15 है, तब बहुलक क्या होगा। अब बहुलक कैसे निकालते हैं, 3 माध्यक माइनस माध्य, ऐसे हम इसका बहुलक फाइंड आउट करते हैं। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा आर 12 एंड 15, कैसे बताया मैंने आपको, 3 मीडियन माइनस 2, ठीक है ना। मोड निकालने के लिए क्या करना आपने, 3 मीडियन माइनस, अब मीडियन कितना दिया हुआ है हमें 15, माइनस 2 मीन कितना दिया हुआ है 12, कितना आ गया 45 में से हमने 24 घटा देना, 21 हमारे पास सही ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन देखिए 21 आंसर आ इसी निश्चित परीक्षण प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x बटे 15 है। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर ना पा ला पाने की प्रायिकता 2 बटे 5 हो, x बराबर होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x अपॉन 15। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, अब नॉट गेटिंग ऑफ करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट करेक्ट आंसर लिख देते हैं 5, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस कर देते हैं, आपको ध्यान होगा 1 माइनस 2 अपॉन 5, अगर इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5 के। अब इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, देखो x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, इस 15 को मैं 3 की साइड ले जाता हूँ, x क्या आ जाएगा 15 इंटू 3 अपॉन 5, 5 से इसको कट कर दीजिए 3 आ गया, 3 3 जा 9, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ सही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अभी कथन में क्या दिया है, एलसीएम 182, ठीक है, और गुणनफल 26 गुना 91, एचसीएफ कितना होगा 13। अब देखिए पूर्णांक कितना दिए हुए हमारे पास 26, 26 का क्या होगा 12, 13 दूनी 26, और 91 का क्या होगा 7 गुना 13, तो एचसीएफ कितना आ गया 13, ये बात इनकी ठीक है। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, 26 गुना 91 बटा 13, 13 से 91, 42 का 2 से लेकर 4, 14 और 4 182, यानी कि ए हमारे पास सही है, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ देखिए एलसीएम इनको पूर्णांकों का गुणनफल, अब ये स्टेटमेंट इनकी गलत होगी, अब ये स्टेटमेंट इनकी गलत, यानी कि तर्क हमारा गलत है और अभिकथन सही है। अब ऑप्शन देखिए कैसे चूज करते हैं, जब हमारे पास एक सही हो एक गलत हो तो पहले दो तो हमने चूज करने ही नहीं। मैंने अभिकथन और तर्क वाला अलग से वीडियो बनाया, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ कैसे एकदम आप आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देखिए, अभिकथन सही है, एसर्शन सही है, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ सही आंसर होगा, बाकी हमने कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तर्क हमारे पास गलत है, ठीक हो गया। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें में क्या बोला इन्होंने, बिंदु 4 वाई एक्स पर स्थित है, द पॉइंट 0 लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब 0.4 है, अब आप अगर यहाँ ग्राफ बनाओगे भी, अब 0 है, 0 के बाद 4 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। बोलेगा वाई अक्ष पर बिंदु एक्स का निर्देशांक 0, तब बिल्कुल ठीक है ये बात, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज
पाई अक्ष पर एक्स जीरो और एक्स अक्ष पर वाई जीरो, मतलब ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, यानी कि दोनों ठीक है, दोनों ठीक होने पे सी और डी ऑप्शन नहीं होते, इनको कट कर दीजिए। ठीक, अब आप देखिए ए ऑप्शन में क्या होगा, अभिकथन ए और आर दोनों सही है, तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, हमें ऑप्शन ए यहाँ चुनना पड़ेगा क्योंकि सभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स 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 कोऑर्डिनेट्स उस पर वाई जीरो और यहाँ पर एक दिया है उन्होंने, सही सही व्याख्या ये करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन बी में हमारे पास दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, पांच क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ 21वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3 और 12x प्लस के वाई बराबर के का कोई हल नहीं है। अब नो सॉल्यूशन कब होते हैं, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन ए टू। ठीक है, अब हमारे पास ए वन अपॉन ए टू कितना है, ए वन अपॉन ए टू ए अपॉन 12। ठीक है, बी वन अपॉन बी टू कितना है, थ्री अपॉन के, यहाँ 3 है यहाँ के है, और सी वन अपॉन सी टू कितना है हमारे पास, के माइनस 3 अपॉन के। अब इस स्थिति में हमें फाइंड आउट करने पड़े, देखिए पहले हम ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू फाइंड आउट कर। अब ए वन कितना है हमारे पास यहाँ पर, देखिए ये दिया है इन्होंने के अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन के, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, के स्क्वेयर और 12 36, मतलब के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये चीज बताई थी, सेकंड वाले में यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6, प्लस 6 भी और माइनस 6 भी। अभी ये हमारे पास सही आंसर नहीं आया है, ऑप्शन सेकंड वाला भी हमने यहाँ पर चेक करना है, और वो क्या है, बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन अपॉन सी टू। अब बी वन अपॉन बी टू किसके बराबर है हमारे पास, थ्री अपॉन के विल नॉट इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ क्या करना है, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 के हो जाएगा नॉट इक्वल टू, और यहाँ से हमने इसको के से मल्टीप्लाई किया और ये आ जाएगा के माइनस 3, इस के से इस के को कट कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 3 नॉट इक्वल टू के माइनस 3। इसको मैं अगर इधर ले जाऊं मेरे पास क्या हो जाएगा, ये के विल नॉट इक्वल टू 3 प्लस 3 और के विल नॉट इक्वल, अब वो क्या कहते हैं के की वैल्यू 6 भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं के की वैल्यू प्लस माइनस 6 दोनों हो सकती हैं, यहाँ पर बोले के की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी। देखो कैसे कर, दोबारा बता देता हूँ, ऊपर वाले में क्या निकला था हमने, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 यानी के प्लस का 6 भी हो सकता है माइनस का 6 भी हो सकता है, और सेकेंड ऑप्शन में हमने क्या निकाला, के की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, अब 6 नहीं होनी चाहिए तो ये कट कर दीजिए। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -6। तो आपको जितना आता है उतना आपने पेपर में जरूर करके आना है क्योंकि इस बार आपको स्टेप वाइज नंबर मिलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 21वें का 8वां में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने निम्नलिखित आयत में एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। यहाँ क्या दिया हुआ है, 3x। अब रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमें फर्स्ट में क्या दिया है, इन्होंने लिया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अगर हम इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो सबको डिवाइड कर दिया। और सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक, अब अगर इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम गुणांक बराबर करते हैं उस तरह सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली टर्म को हम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, साइन चेंज कर लेते हैं ये कट गया, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 आ गया कैसे करेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू
वन की साइड शिफ्ट करी, वन प्लस वन यानी कि एक्स की वैल्यू टू आ गई और वाई की वैल्यू वन आ जाएगी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में ओ ए इंटू इज इक्वल टू सी इंटू ये दिया हुआ है, दर्शाइए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल डी। हमने यहाँ पे ये हमें फिगर दी हुई है, अब उस फिगर के अकॉर्डिंग हम जो हमें गिवन है हम चेंज कर लेते हैं, गिवन यानी के दिया है ए इंटू इक्वल टू क्या है, हमें इसके नंबर मिलने हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है, जो पॉइंट साफ लिखो के एक एक पॉइंट के नंबर मिलने हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो दिया है सिद्ध करना, आप जरूर लिख के आए तब भी आपको नंबर मिलेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ठीक, और में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए हमें दिया है यहाँ लिख लेते हैं ओ ए बी और ओ सी इंटू हमने इसको ए अपॉन शिफ्ट कर लेना ओ सी इसके नीचे ले आते हैं इज इक्वल टू डी बटे ठीक है, हमने क्या किया इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, इंटरचेंज करना यहाँ पे थोड़ा सा। अब क्या आगे क्या लिखना, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, ये बताइए शीर्षाभिमुख कोण ठीक है। अब एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए और ये दो साइडें जो है इनकी आपस में सेम रेशियो में होंगी, क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए ओ सिमिलर है ट्रायंगल ई पी के ठीक। अब सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ डी सिमिलर है सी ओ बी के, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया ठीक, और एंगल डी जो है वो एंगल सी के बराबर हो गया ठीक है। हम सी पी सी टी लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, हमारे पास ये प्रूव करने का क्वेश्चन है। आपको ये भी ध्यान रखना है, तो आपने सिद्ध करना और दिया हुआ लिखा हुआ है इसका आपको टीचर आधा नंबर दे देगा ठीक है ना, उसके बाद फिर इसका आधा नंबर मिल जाएगा, फिर इसका आधा नंबर मिल जाएगा, फिर इसका आधा नंबर मिल, इस प्रकार यहाँ ये नंबर जो है वो डिवाइड करके आपको इस बार मिल गया। वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की सीमा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श करती हो, कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल, आपको एक्सरसाइज में भी मिला होगा, हमने यहां दो सर्कल बना लिए। अब ये देखिए यहां पर ये सेंटर इनका सेम है, ये ओ ये ए बी इसकी होगी, यहां पी ले लिया क्या, ये 3 सेंटीमीटर, तो हमने यहां पे क्या ध्यान रखना है कि ए पी बराबर है बी पी है ना, जो जीवा होती है केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंबी होती है और उसको समद्विभाजित भी करती है बाइसेक्ट भी करती है ठीक है ना, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओएपी में अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही होता है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, कितना है हमारे पास का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर ठीक है, ए पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 कहाँ आ जाएगा, और ए पी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4, माइनस 4 इक्वल नहीं है प्लस 4, बस यहाँ AP की वैल्यू आई है, हमने तो AB बताना है ना, जीवा की लंबाई बतानी है, लेंथ ऑफ कोर्ड AB कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ AP टू दैट इज 8 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, देन क्या फाइंड आउट करना, प्रूव करना हमने, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। देखिए लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको स्क्वेयर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग साइड, वर्क करने पर जब वर्क करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, साइन थीटा कॉस थीटा, थ्री अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा। इन दोनों में अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ये वन हो जाएगा, और टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री, और साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, ये बराबर आ जाएगा टू के, और टू से टू कट कर दीजिए, आपके पास क्या मिलेगा, आपको साइन थीटा इज इक्वल टू वन, साइन थीटा कॉस थीटा वन के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब वन की अगर वो आइडेंटिटी हम यहाँ दोबारा पुट कर ले तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ दोबारा यूज कर ली वन की जगह, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब साइन थीटा कॉस थीटा से दोनों तरफ तीन टर्म्स है मेरे पास, एक तीन, तीनों को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर, इन सम्स में आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका इस्तेमाल करना, ठीक। अब ये तो कट गया, ये तो वन आ गया, क्या इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर से साइन कट गया, ये क्या रह गया मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस स्क्वेयर से कॉस काट दिया, क्या बच गया मेरे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा क्वेश्चन, ये क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, ये हमने यही प्रूव। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ इसके और में ठीक है। क्वेश्चन है, ये अथवा में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको टेबल बनाना आना चाहिए, मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख लेता हूँ। देखिए कॉस 60 मेरे पास किसके बराबर होता है, वन अपॉन टू के का स्क्वेयर दिया हुआ है मुझे, प्लस फोर सिकेंड 30, सिकेंड 30 होता है टू अपॉन अंडर रूट थ्री, कि जो कॉस 30 होगा उसकी वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट करनी है उसका रेसिप्रोकल करके, और टेन स्क्वेयर 45 वन के इक्वल होता है, यानी कि वन का स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर 30 वन अपॉन टू, और कॉस स्क्वेयर 30 अंडर रूट थ्री अपॉन, ठीक और अब ये आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू वन अपॉन फोर प्लस यहाँ 4 का स्क्वेयर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वेयर 3 माइनस 1, यहाँ पर 1/4 और ये 3/4, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वेयर किया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 5/4 जमा 16/3 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 1/3, हर बराबर है ना, 4 क्या। अब नीचे वाला तो देखिए हमारे पास 1 बन गया, ऊपर आ जाएगा 5/4 जमा 16/3 माइनस 1, और नीचे वाला जोड़ के 4/4 हो गया, 4/4 कट के 1 आ गया, इसको देते हैं यहीं पर, और ऊपर वाले को हम हल कर लेते हैं, उसका 12 लघुत्तम आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 15 और 4 5 4 माइनस 12, तो हल करो, 12 में से 15 में से 12 के 3, 3 और 64 67/12, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, एक कार में दो वाइपर होते हैं जो परस्पर आच्छादित नहीं होते, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डज नॉट ओवरलैप, नॉट ओवरलैप, प्रत्येक वाइपर में 25 सेंटीमीटर लंबाई का ब्लेड लगा हुआ है, तो हमारे पास आर कितना हो जाएगा यहाँ 5 सेंटीमीटर,
115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। प्लेट की प्रत्येक बुहार पर साफ किया गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। एडीएस हमारे को पता लग गया, कितना दिया हुआ है 100। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ई, प्लेट स्वीप करेगा दोस्तों, ये क्या है खंड यानी के सेक्टर। हम यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा लेंगे, है ना। पाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया दोनों द्वारा, है ना, साफ किया गया क्षेत्र। दो है हमारे पास सेक्टर बनेंगे क्योंकि दो पाइपर हैं, यहाँ पे लिख लिया एरिया अब यहाँ वैल्यू। तो सा क्वेश्चन है 115 क्योंकि 115 है ना। अब इसको आप कट कर लीजिए, कट करने में आपने क्या ध्यान रखना है, वैल्यूज आप ध्यान से कट करें, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब देखिए दो से कट कर देता जगह वन, फाइव से कट कर दी 18, 5 ट्राई कर लेते हैं, बन जाए 125। हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 पंजे 5 आदमी 27 का 7 से ले, बाद इसको 115 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पंजो पंजो 25 का 5 और हंसी लगा 2 और 5 सत्ते 35 तथा 7 हंसी लगा 3 मुझे 65 68 5 5 7 12 का 2 एक बार 11 और 7 18 का 8 से लगा 1 हमारे 5 8 1 2 अपॉन 18 सत्ता। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी आप है ना इसको भाग करके डेसिमल में भी लिख, अगर आप ऐसे अगर आप यहाँ छोड़ेंगे आपको टीचर यहाँ काटा नहीं लगाती, ध्यान रखना है ना, भाग कर दो आधा नंबर पूरा मिल जाएगा, नहीं तो आधा नंबर काट के वापस दे देंगे। भाग करो तो देखिए, भाग भी करके बता देता हूँ एक बार, और आपने ये नहीं सोचना कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, जितना आता है उसकी काई लिखनी आती है, जो कुछ आता है आपने वो लिखना है, उससे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 5 120 एक पर क्या एक एक पर 11 में से 2 11 में से 5 गए 65 60 5 पे चला 5 पर नहीं डेसिमल के लगभग 1254 पॉइंट। अब सेक्शन सी देखिए आंसर हो, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है 33 मार्क्स के और 26 क्वेश्चन है। जिद कीजिए कि 3 - 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, दिया गया है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, 3 - 2 अंडर रूट 5 इज एन
इरेशनल नंबर, वन क्या है, अंडर रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। हम यहाँ क्या मान लेते हैं कि लेट ये माना 3 माइनस 2 अंडर रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। माना 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम p अपॉन लिख सकते हैं इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, है ना। अब देखिए हम इसको 3 की साइड शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस क्यू माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, p माइनस 3 क्यू अपॉन क्यू माइनस 2 5। हम इसको रूट 5 के इक्वल करेंगे, के लिए माइनस 2 हम डिनोमिनेटर में हर में ले आते हैं और ये आ जाएगा माइनस 2 5। सॉल्व करो या ना करो, माइनस को ऊपर ले जाओ ना ले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना। हमें यहाँ क्या पता लगा कि अंडर रूट 5 क्या है, स्टार्टिंग में इन्होंने बताया देखिए क्वेश्चन में हमें, इट इज ए इरेशनल नंबर, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। दिया है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और इतना तो अंडरस्टूड है कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। जब अंडर रूट 5 अपरिमेय है, p माइनस 3 क्यू अपॉन माइनस 2 क्यू ये भी अपरिमेय होगी, ठीक है ना। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, अतः है थ्री माइनस टू फाइव एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमने यही प्रूव करना था ना, एंस 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 एन इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 2600 यहाँ कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx 5x² - 7x+1 के शून्यक हैं, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल्स 5x² - 7x+1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। हम सबसे पहले इसी सॉल्व करके बताते हैं आपको, ठीक है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा से अल्फा को मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा से बीटा को मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब यहाँ तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको फॉर्मूले में डेवलप करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमने अपने पास से लिखा बैलेंस करने के लिए, माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा अपॉन अल्फा बीटा। अब आपने क्या ध्यान करना, ये जो मैंने लिखा है मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया ताकि ये अल्फा प्लस बीटा का फिर बन जाए माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बच्चों ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास शून्यक होते हैं उनका गुणनफल और उनके योगफल के अकॉर्डिंग आंसर मिल सके। अब हमारे पास इक्वेशन के वो पद क्या दिया हुआ है, 5x² - 7x+1, आपने ध्यान किया होगा ना, ये हमें दिया हुआ है fx।
अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, शून्य माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना आ जाएगा, माइनस एज इट इज, और बी कितना है माइनस सेवन, ए कितना है फाइव। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, फाइव अपॉन सेवन अपॉन फाइव, और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। सी कितना है वन और ए कितना है फाइव, ये कितना हो गया वन अपॉन फाइव। बस इसमें यहाँ हम इसको वैल्यूज को कर लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर यानी कि सेवन अपॉन फाइव का स्क्वेयर माइनस टू इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा वन अपॉन फाइव के इक्वल है अपॉन अल्फा बीटा, वो कितना है हमारे पास वन अपॉन फाइव। अब कैलकुलेट कीजिए, देखिए स्क्वेयर करेंगे सेवन अपॉन फाइव का कितना आ जाएगा, पंचा बटा पच्ची माइनस दो बटा पाँच सारे का बटा एक बटा। ठीक, इसका हम लोग उत्तम निकाल लेंगे तो आएगा, यह आएगा उनचास। पच्चीस से पाँच को भाग करा, पाँच से पच्चीस को भाग करा, पाँच पाँच दूनी दस बटे एक बटे पाँच, पंचा में से दस गए उनतालीस, उनतालीस बटे पच्चीस बटे एक बटे पाँच। रेखा हमने हल करना आपको पहले में कुछ बताया था, उनतालीस बटा पच्चीस आप पाँच बटा एक, पाँच से पच्चीस कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास उनतालीस बटा पाँच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस तीन वाई बराबर छः, टू एक्स माइनस तीन वाई बराबर बारह संगत हैं। पहले तो हमने बताना है ये संगत हैं या नहीं है, जांच करनी है। अगर संगत हैं एक ग्राफ द्वारा हल करना है, चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अब कौन देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ए वन अपॉन ए टू ये निकाल लेते हैं पहले, वन अपॉन टू, वन अपॉन ए टू कितना है थ्री अपॉन माइनस थ्री। ठीक है, व्हेन ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, हमारे दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो गई, ये संगत हल है। ऐसे हल हमारे पास कंसिस्टेंट होते हैं और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल बनाना है, और टेबल बनाने का सबसे इजी प्रोसेस आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने एक बार x की वैल्यू को जीरो करना और एक बार y की वैल्यू को जीरो, ये आपने पहले ही लिख लेने हैं। जब x की वैल्यू जीरो करेंगे देखिए सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, इसमें तो 3y रहेगा और y इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, कट करके क्या आ जाएगा, ठीक हो गया। और अगर यहाँ पर मैं y की वैल्यू जीरो कर देता हूँ तो x मेरे पास 6 आ जाएगा। देखिए x प्लस थ्री इंटू सिक्स, एक्स प्लस जीरो सिक्स, देन x इज इक्वल एक टेबल, तो मेरे पास ये बन गया, ठीक हो गया। और इसी प्रकार मैं दूसरा टेबल भी बनाऊंगा, जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर भी उसी तरह आपने एक बार x की वैल्यू को कर लेना और एक बार y की वैल्यू को करना है। देखिए जब x की वैल्यू को जीरो करेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ये जीरो हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, देन वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन माइनस थ्री, कट करेंगे कितना आ जाएगा माइनस फोर, ठीक हो गया। और जब वाई की वैल्यू को करेंगे एक्स हमारे पास सिक्स आ जाएगा, देखिए कैसे, जैसे टू एक्स माइनस थ्री, वाई की वैल्यू को जीरो करना है करेंगे, सारा जीरो हो गया, करने की जरूरत नहीं है, एक्स इज 12, then x is equal to 12 upon आ गया, ये हमारे पास दूसरा टेबल बन गया। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में हम यहाँ क्या लिखते हैं, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, y है, ये y डैश है, ये हमारे पास क्या 1, ये 2 बारीक लिखा जा रहा है, शायद आपको
लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, फाइव ये सिक्स सेवन, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, ये वन फाइव और जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और यहाँ पे माइनस एक। अब हमें देखिए हमारे पास जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर जीरो है, टू हमारे कहाँ मिलेगा वाई एक्सिस। आपने क्या ध्यान रखना, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो और एक्स एक्सिस पर वाई जीरो। अगला है सिक्स जीरो, वन टू फाइव सिक्स आ गया हमारे पास सिक्स, यहाँ पे लिख देते हैं ये आ गया जीरो, ये है हमारे पास सिक्स। ठीक है, अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रा करते हैं उसके ग्राफ का इक्वेशन का नाम भी लिख देते हैं, यानी कि एक्स प्लस थ्री वाई बराबर छः की ये लाइन है। अगले में जीरो माइनस फोर, अब जीरो से माइनस फोर कहाँ जाना पड़ेगा डाउनवर्ड, ये आ गया जीरो माइनस फोर और सिक्स जीरो यह हमारे पास है ही है। ठीक है ना, और यहाँ पे फिर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारे पास यहाँ से ये लाइन आ जाए, कल लाइन का नाम हो गया टू एक्स माइनस वाई बराबर 12। आंसर क्या हो गया जहां पे ये क्रॉस हुई है, आंसर हो गया हमारे पास सिक्स। ठीक है, ध्यान आ गया होगा आपको आंसर कितना आ गया इसका सिक्स एंड। तो हमें अगला क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, इसी के और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या दैट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। पहली संख्या एक्स मान ली, संख्या सेकेंड नंबर वाई सपोज कर लिया। ठीक, उन्होंने क्या बोला, इनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई कितना है 26, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या बोला इन्होंने, एक नंबर है इसे तीन गुना, क्या बोल देते हैं देखिए, एक्स को बड़ा मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल थ्री वाई, यानी कि एक्स माइनस थ्री वाई ये हमारे पास यहाँ सेकेंड इक्वेशन। ठीक, और सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है, हम इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन यहाँ पे ना बनाए, यहीं पे सेकेंड इक्वेशन लिख के और इजीली हमसे एक्स की वैल्यू हमारे पास थ्री वाई आ गई और फर्स्ट इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू यहाँ कर देंगे, थ्री वाई माइनस वाई 26 और थ्री वाई में से वन वाई चला गया, क्या आ गया वाई, वाई बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, एक नंबर हमारे पास क्या आ गया 13 और दूसरा फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई दिया है, एक्स इज इक्वल टू थ्री 13, एक्स बराबर कितने के आ जाएगा 40 के, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 40 और 13। आप इसको चेक कर सकते हो आपका आंसर गलत है सही है, 40 में से 13 घटाएंगे 26, ठीक है, और 13 थी 39 का मतलब ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ये आंसर हमारा यहाँ सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर है ट्वाइस ऑफ को
टेंजेंट टीपी एंड टीके वर ड्रान सर्कल विद द सेंटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू। पहले यहाँ फिगर बना लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बना ली है, उन्होंने बोला है टी पी, ये टी हो गया, ये पी हो गया, टी है, ये क्यू है, ठीक है, ये सेंटर ओ। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि पी टी क्यू, पी टी क्यू एंगल वन। अब यहाँ पे लिख लेते हैं वन यानी के क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये यानी के एंगल वन इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल, ये हमने ठीक है क्या है हमें यहाँ, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है हमें दिया है क्या है कि टी पी इक्वल टू टी क्यू, ये बराबर जो स्पर्श रेखाएं हैं ये इवन में आ जाएंगी ठीक है। सेंटर ओ ऐसे भी लिख सकते हो, कितनी आएगी आपको, और टू में क्या आ जाएगा सिद्ध करना है स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए लिखा हमने यहाँ पर ये एंगल वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एक। अब में देखो क्या करना आपने, अब एंगल टू और एंगल थ्री ये इक्वल होंगे, कैसे इक्वल होंगे कि इक्वल टू क्यू, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये रेडियाइज हैं वृत्त के, ये त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और एंगल टू एंगल थ्री बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ट्रायंगल ओपीक्यू में देखें बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, पहली बात तो आपने ये याद रखनी। अब बात करते हैं हम एंगल फोर, एंगल वन प्लस एंगल फोर 180, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं केंद्र के साथ 90 का कोण बनाती हैं, ये वाला कोण पूरा 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा, इसलिए टी पी ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए एंगल वन प्लस फोर 180 होगा इसको ठीक। अब इन ट्रायंगल ओपीक्यू, अगर आप ओपीक्यू की बात करो तो आपको क्या मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये त्रिभुज है ओपीक्यू। अब हमने यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 3 हो गया, अब हमने क्या करना इक्वेशन और 3 को इक्वल रखना है, 180 के बराबर है वो भी 180 के बराबर है, हम क्या लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 1 प्लस एंगल 4, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। अब 4 यहां हमने कट कर दिया, एंगल 2 और 3 इक्वल है इसलिए हमने एंगल 2 3 को भी ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 1, यही हमने यहां करना था ठीक है, इतना सॉल्व किया ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में, देखिए सिद्ध कीजिए कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां लिख लेते हैं देखिए कोसेकेंट थीटा माइनस थीटा का, अब कोसेकेंट किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, कॉट किसके बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के का स्क्वायर। अब आपको यहाँ दिख रहे हैं हर इनके बराबर हैं, अगर हर बराबर होंगे ऊपर वाली संख्याओं को हम एज इट इज लिख सकते हैं ठीक हो गया बल यहाँ एक। अब हमने क्या करना देखिए ऊपर वाली का स्क्वायर अलग कर देते हैं और नीचे साइन का स्क्वायर अलग कर दे, और साइन के स्क्वायर में हम आइडेंटिटी पुट करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आइडेंटिटी मैंने यहां पर इस्तेमाल करनी है ठीक है। अब देखिए 1 माइनस का स्क्वायर
और साइंस के रीजन क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर मैं एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस बार लिख लेना क्योंकि स्क्वेयर है, और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आइडेंटिटी यूज की है ना, ये दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन प्लस, हमने यही प्रूव किया था लेफ्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में है अथवा में दिया हुआ है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। अब ये सीढ़ी की लंबाई है, ध्यान रखना है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एंड अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल फाइंड द हाइट ऑफ। अब हम यहाँ पहले से फिगर बना लेते हैं, अब यहाँ देखिए इसको हम लिख लेते हैं ए, ये तो होगी वॉल, ठीक है ना, हमने यहाँ वॉल की हाइट बतानी है, और ये हमारे पास होगी लैडर, यानी कि ये हमारे पास सीढ़ी आ गई। और सीढ़ी के साथ कितने का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। अब ये तो अंडरस्टूड है कि जो वॉल है बिल्कुल खड़ी होगी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, अगर ये 60 है तो एंगल ये वाला हमारे पास 30 डिग्री हो, ठीक है ना। और अ लैडर ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, लैडर की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है 3 मीटर, ये हमारे पास 3 मीटर। अगर आप इसको इसी ट्रायंगल को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, करण, ये हाइपोटेन्यूज, यह है परपेंडिकुलर यानी के लंब, और यह है हमारे पास आधार। अब हमें दिया हुआ क्या है, क्या याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर ले ना चांदी साइन कॉस टेन। अब हमें दिया हुआ क्या है, एच दिया हुआ है, पी निकालना, पी और एच का क्या रिलेशन है हमारे पास, साइन। ये क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी क्या आ जाएगा, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, क्या ना, करण बटा सॉरी लंब बटा करण। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2, लंब हमने निकालना है, लंब का नाम लिख लेता हूं यहां पे बीसी, और करण कितना है मेरे पास 15, ठीक है ना, करण कितना है मेरे पास यहाँ 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा मुझे, 15 को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा BC बराबर है 15/2 और डिवाइड करेंगे 7.5 मीटर, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ वॉल, ठीक है, हाइट ऑफ 7.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खेल में प्रवेश शुल्क 5 रुपए, खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यदि एक या दो चित आते हैं तो उसका शुल्क वापस मिल जाता है, यदि वह 3 चित आते हैं तो उसे शुल्क ना मिलता है अन्यथा वह हार जाती है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह अपना प्रवेश शुल्क हार जाती है, या दूसरे में दुगुना शुल्क मिल जाता है, तीसरे में केवल अपना प्रवेश शुल्क वापस प्राप्त करती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और उसके मार्क्स 3 मार्क्स सॉरी क्वेश्चन है, और एक एक नंबर के तीनों। अब क्या बोलता है, इन अ गेम द एंट्री फी इज ₹5, द गेम कंसिस्ट ऑफ ए टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, इफ वन और विजेता गेट्स हर एंट्री फी बैक, अगर एक और दो आते हैं तो उसकी एंट्री फीस वापस हो जाती है,
इफ शी थ्रो थ्री हेड, अगर उसके तीन हेड मिलते हैं शी रिसीव्स डबल, उस डबल पैसे मिल जाते हैं, अदरवाइज शी विल लॉस, नहीं तो वो हार जाती है। फॉर लॉसिंग ए कॉइन थ्री टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी लॉसेस द एंट्री फीस, गेट डबल और जस्ट गेट हिज एंट्री फीस। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हम प्रायिकता का फार्मूला क्या लगाते हैं। यहाँ पे अकेला फार्मूला लिखने के भी आपको टीचर नंबर देते हैं। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि कुल संभव परिणाम क्या है। और इसका फार्मूला क्या होता है, सिक्कों में सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित या पट, हेड या टेल, और के हेड या टेल पावर एन, एन मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, थ्री। अगर टू रेस टू पावर थ्री करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे, एट। टोटल आउटकम कितने होंगे, एट। और आउटकम देखो कैसे बनाने हैं, हेड हेड हेड, तीनों हेड आगे, ठीक है, नीचे को लिखता हूँ इजी रहेगा। और एक आपने क्या करना, पहले में दो हेड आ गए फिर टेल आ गया, फिर पहले में हेड में टेल, फिर पहले में टेल फिर हेड फिर टेल, ठीक, फिर आ गया आपके पास दो टेल आ गई एक हेड आ गया, ठीक हो गया, एक दो तीन चार पाँच, एक लास्ट में आएगा टेल 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 छः। में क्या रह जाएगा हमारे पास, दो हेड एक टेल आ गया, एक हेड दो टेल आ गए, और उसके बाद रह जाता है हमारे पास हेड टेल टेल हेड टेल हेड, एक चार पाँच छ सात आठ, ये टोटल हमारे पास एट आउटकम्स आ गए, ठीक है। और सबसे पहले क्या पूछा था उन्होंने, श्वेता विल लॉस हर एंट्री फी इफ शी थ्री टेल्स, तीन टेल कितनी बार आ रहे, एक ही बार आए हैं, ठीक है ना, ऑफ लॉस हर एंट्री फी वन अपॉन एट, एक ही संभावना ऐसी है। अगले में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल फी कब मिलेगी उसे, जब उसके पास सारे हेड होंगे, ये वो भी वन अपॉन एट, एक ही आउटकम ऐसा हमारे पास है। और थर्ड में क्या पूछा उन्होंने, शी विल गेट हर एंट्री फी बैक इफ वन और टू टेल्स, अब बैक फी का क्या आ जाएगा उसके पास, एंट्री फी बैक कब होगी, जब उसके पास देख कितनी है या तीन टेल आएंगे, ठीक है ना, देखो एक दो तीन चार पाँच छ आ गया, सिक्स अपॉन एट कट कर देंगे थ्री, ये हमारे पास तीन नंबर का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाए। यहाँ हमारे पास सेक्शन सी ए कंप्लीट हो गया थ्री थ्री मार्क्स का। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा डी सेक्शन है, वो फाइव फाइव मार्क्स का। और यहाँ फाइव फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास फोर क्वेश्चन आने, यानी कि ये 20 मार्क्स का सेक्शन है हमारा। देखिए 32वें क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी की गति एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह डिस्टेंस हो गया। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे अधिक समय लगता, रेलगाड़ी की गति ज्ञात। अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ट्रेन। अब आपने क्या ध्यान रखना, एक फार्मूला बताता हूं आपको, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, मींस डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, ठीक है। अब यहां पर हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल दैट द
ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक अब यहां पर 2 का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था, डी मीन्स डिस्टेंस 480 किलोमीटर, एस स्पीड दैट इज एक्स, और टाइम, अब टाइम कितना लगा, अब यहां पर क्या बोला उन्होंने, एक्स घंटे फालतू लगते हैं, 3 घंटे फालतू लगते हैं, यहां पर अगर 8 घंटे की उसकी स्पीड कम या ज्यादा कर दी जाए, मैं यहाँ टाइम की जगह टी लिख लेता हूँ। टाइम मेरे कैसे निकालूंगा, टी अपॉन एक्स, एक टाइम तो ये लगा, नॉर्मल स्पीड में तो ये टाइम लगा, परंतु अगर उसकी स्पीड को कम कर दें, अगर स्पीड कम कर देंगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। इसको यहां से हटा देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 480 अपॉन एक्स। अब आपने क्या ध्यान रखना, अगर इसकी स्पीड को हम कम कर दें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। पहले तो हमारे पास नॉर्मल स्पीड ये है, अब टाइम ज्यादा लगेगा, कितना टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटे। हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, अगर स्पीड कम करेंगे समय ज्यादा लगेगा, और स्पीड अगर नॉर्मल होगी तो 3 घंटे कम लगता है। का डिस्टेंस हमने यहाँ लिख के और स्पीड जो है वो चेंज करके इज इक्वल टू टी के कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस 480 किलोमीटर था और स्पीड एक्स किलोमीटर थी, तो टाइम हमारे पास क्या लगा था, 480 अपॉन एक्स, ठीक। अगर हमने स्पीड कम कर दी, माइनस 8 कर दी, टाइम हमारे को कितना लगेगा, 80 अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक है ना। कम स्पीड करने पर ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय को हमने पहले पहली तरफ लिखा है, पहले लिखा है, और कम समय को बाद में, इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, एक्स से हमने 480 को मल्टीप्लाई किया, 80 एक्स आ गया, और एक्स माइनस 8 से 80 को मल्टीप्लाई करना अपॉन एक्स एक्स माइनस 8, ये बराबर आ जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका आपने ध्यान रखना है, 80 एक्स माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर 480 एक्स माइनस 2 बार आ गया, ये प्लस हो जाएगा, 8 0 8 8 4 से लेगा 6 32, और 6 38, और नीचे वाली संख्या एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स बराबर कितने के, 80 से 480 एक्स कट जाएगा, और 3840 बराबर इस संख्या को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 3x² माइनस 20, और इक्वेशन को हम सीधा जब करेंगे, इतनी बात आपको ध्यान आ जानी चाहिए कि 3840 माइनस का हो जाएगा। अब हम सब में 3 देखो, यहां पर भी है, इसमें भी 3 का गुणनफल है, इसमें भी, सारी टर्म को 3 से डिवाइड कर देते हैं, इससे हमें सॉल्व करने में आसानी रहती है। 12 3 36 का 2 8 और 1280 आ जाएगा हमारे पास 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फैक्टर बना के भी कर सकते हो, आप 1280 का फैक्टर बना लो, अगर आपको बीजगणितीय फार्मूला आता है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, 4 से करेंगे 3, 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, और 5 25 5 6 30, ठीक है। और बाद बड़े से कर लेता हूँ, 10 से कर लेता हूँ, 10 गुना 128, देख यहाँ पे छोटे में हमें 8 चाहिए, काफी नजदीक में आके मिलेगा ये, इधर ले आता हूँ 20 आ जाएगा 64, इधर ले आया 40, इधर आ गया 32, 32 और 40 मेरे पास यहाँ फैक्टर आ जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 40x जमा 32x माइनस 1280 बराबर, एक्स कॉमन निकाल दिया एक्स माइनस 40, और यहाँ पे 32 कॉमन निकाल दिया, ये भी एक्स माइनस 40 बराबर 0, एक्स माइनस 40 और ये आ जाएगा एक्स प्लस 32 बराबर 0, एक्स माइनस 40 बराबर 0, एक्स बराबर 40,
और एक्स प्लस 32 बराबर 0, एक्स इज इक्वल माइनस 32, स्पीड माइनस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास गाड़ी की चाल क्या आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आर। फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आपको इस बार स्टेप्स के नंबर मिलने हैं, एक एक चीज के नंबर मिलने हैं, जितना आपको सम आता है उतना सम आपने एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3 है, गुणांक ज्ञात करो। द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। यहाँ पे भी सेम तरीका है, माना पहली संख्या, दैट द फर्स्ट नंबर इज एक्स, एक्सेस कर लेना। और जब इन्होंने बोला क्रमागत, संख्या क्या आ जाएगी, एक्स प्लस। अब उनका गुणनफल क्या है, है यानी कि एक्स एक्स प्लस 1 बराबर 300, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बराबर, यहाँ फिर वही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करना है 153। और कैसे करेंगे, 53 51, फिर 18 से करा, 1 3 इधर आ गया, और ये 17 और 18। ठीक है, एक्स स्क्वेयर बड़ा यहाँ पे प्लस का है, तो 18 हमें बड़ा लेना पड़ेगा प्लस का, माइनस 17 एक्स माइनस 3 बराबर, पहले दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लिया, यहाँ पर x प्लस 18 बराबर 0, x प्लस 18 कॉमन निकल गया, आ गया x माइनस 17 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर रखना, x इज इक्वल माइनस 18 ये पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल माइनस 17 इज इक्वल x इज इक्वल 17। तो अगर आपने यहाँ छोड़ा तो आपको एक या आधा नंबर टीचर काट देंगे। तो आपने नीचे लिखना है, पहली संख्या बराबर 17, फर्स्ट नंबर इज 17, और दूसरी संख्या बराबर 17 प्लस 1, तब आपके पास 17 आंसर आएंगे। आपने ये वाला 18 नहीं बोल देना, अगर ये वाला 18 आंसर बोलोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा और एक नंबर आपका यहाँ कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ये कौन सी थ्योरम है दोस्तों, पीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातित्व प्रमेय। आप हमारे चैनल पर इसी को, आप जब भी हमारे चैनल पर जाओगे वहां आपने प्लेलिस्ट खोलनी है, और प्लेलिस्ट में वहां आपने ऊपर बीपीटी लिख देना, वहीं आपको ये थ्योरम 6 पॉइंट एक्सरसाइज में नंबर 1 पे आपको ये देगी, आपने ये वहां से पढ़नी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक तंबू एक बेलन के आकार का है, इसके ऊपर एक शंक्वाकार शीर्ष है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.6 मीटर और 4 मीटर है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तंबू बनाने के लिए उपयोग किए गए कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही तंबू के कैनवस की लागत 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करें। में आपने ध्यान रखना है कि उसका जो आधार है वो नहीं ढकना है। अ टेंट इज इन शेप ऑफ ए सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर। अब यहाँ फिगर बना लेते हैं पहले। इस प्रकार का वो टेंट बना हुआ है और स्लेट हाइट दी हुई है उसकी 0.8, तिर्यक ऊंचाई है, और
हाइट जो है उसकी 0.1 है, इंडिकर पार्ट है, और रेडियस कितना होगा, देखिए 4 मीटर उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पर, अब दोनों का रेडियस 2 मीटर है, आपने ये ध्यान रखना है सिलेंडर का भी और कोन का भी, शंकु का भी और बेलन का भी, ठीक। अब यहाँ लिख लेते हैं, देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, शंकु की त्रिज्या है 4/2 बराबर 2 मीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 मीटर, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसको हम एल से डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। चलिए यहाँ बेलन की लिख लेते हैं, तो ये लिखने के भी आपको नंबर मिलने हैं इस बार, बेलन की त्रिज्या यानी के रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम वे 4/2 बराबर 2 मीटर, और बेलन की ऊंचाई एच से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं है 0.1 मीटर। अब हमने निकालना क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वैसे तो हम दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, परंतु हम दोनों को इकट्ठे यहाँ आपको निकाल के बता कैसे रहे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट का तंबू का, तंबू टेंट को यहाँ तंबू का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल, एक तो आपके पास क्या है यहाँ शंकु है उसका पाई आर एल हो गया, प्लस बेलन पाई पाई आर एच, ठीक हो गया। अब यहाँ पर पाई आर कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया एल प्लस, अब जो जो चीजें हमें पता है वो लिख दो, पाई को एज इट इज लिख लेते हैं, तो पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7, और आर हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, एल कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट दैट इज 2.1 क्या हमें, और इसको ऐसे लिख लेते हैं 22/7 ना 2 आ जाएगा 2.8 4.2, 22/7 गुना 2 जमा करेंगे कितना हो जाएगा 7.0, 7 से 7 कट गया और आ गया हमारे पास 44 मीटर, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया हमारे पास 44 मीटर। हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस यानी के कैनवस की लागत, क्या रेट बताया था 500 रुपये स्क्वायर मीटर बताया था, 500 से मल्टीप्लाई कर देना बस, वेरी सिंपल, क्या आ जाएगा हमारे पास 22,000 आ गया 22,000, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलनाकार गर्तन 8 सेंटीमीटर लंबी और व्यास 2 सेंटीमीटर है, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें रखे पानी की मात्रा को मापने पर एक बच्चे को इसकी मात्रा 345 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलती है, तो आंतरिक माप के रूप में लेते हुए जांचें कि क्या यह सही है या गलत है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इफ अ चाइल्ड फाइंड इस वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट और
टेकिंग अबव एज इन साइड मेजरमेंट, इसको आंतरिक माप लेके फिर हमने इसको सॉल्व, पहले फिगर बनाएंगे। अब देखिए जो इसका नेक है 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ नेक 2 यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर ठीक, और इसका डायमीटर जो हेलिकल पार्ट है 8.5 है, मैं इसको 85/20 इसका रेडियस कर दे ठीक है। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की त्रिज्या, स्मॉल आर से लिखता हूं क्योंकि यहां पे आर हमारे पास 2 है, 0.2 1 सेंटीमीटर, यहां 2 डायमीटर दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई h, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फीयर कर देता हूँ था देखिए त्रिज्या, बड़ा आर ले लेते हैं 80/। अब देखिए एक तरफ तो बेलन हो गया, उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और एक तरफ हमारे पास स्फीयर हो गया उसका वॉल्यूम 0.3 पाई आर, इन दोनों को ऐड करेंगे बर्तन की वॉल्यूम पास आ जाएगी है ना। वेसल 0.3 पाई बड़ा आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन निकाल देते हैं, 0.3 85/20 का क्यूब प्लस आर कितना है 1 और एच है पाई एज इट इज, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे पाई की हम, और 4/3 इसको 5 से काटा 17 आएगा, इसको 5 से काट के हमारे पास 4 आएगा ठीक है। और इसका क्यूब करने के लिए हमें 17 289 और 17 को गुना 17 9 155 बच गए 15, 17 5 8 136 और 15 151, 15 17 15 आ गया 9 13 अपॉन और 4 का क्यूब हमारे पास प्लस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आपको करनी भी पड़ेगी ठीक है। पाई एज इट इज कट कर देते हैं 4 9 13 अपॉन 48 प्लस पाई एज इट इज ठीक है, और यह आ जाएगा 4 9 13 प्लस 8 24 4 से लगा 6, 8 4 32 और 6 38 पढ़ लेते हैं और ये हो जाएगा 3 और 4 7 8 और 1 12 का 2 5 48 पाई एज इट इज, इसको भाग कर लेते हैं 5248 को 5297 को 48 से, 48 से कम 48 और उसके बाद बचेगा हमारे पास 497 आया 48 10 17 आ जाने की 4 4 4 लगभग ये 3% 110.3 और पाई की वैल्यू है 3.14 100 हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर नियर अबाउट होता है ये पानी वाला आंसर पॉइंट्स में हमारे पास नियर अबाउट 4 3 12
आगे ना, ये फोर 13 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 और 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल, ये हमारे पास 346.342 आ गया, और ये नियर अबाउट आंसर हमारे पास आ गया है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम देखते हैं। निकाला उसने, वो ट्रू था, है ना। नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 छात्रों का भार बताता है, छात्रों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। 40-45, पहले अगर टेबल बना लेते हैं, हमने मीन निकालना है, टेबल आपने साफ साफ बनाना है। हाँ वेट आ गया, यहाँ नंबर ऑफ आपने तो साफ साफ बनाना, मैं थोड़ा रफ ही बना पा रहा हूँ। 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, संख्या क्या है हमारे पास, 3, 8, 6। अब यहाँ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2, 5 जोड़ा आ जाएगा, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 25, 28, 28 और ज़्यादा 15, 15 के लिए हमें टर्म को सर्कल करना पड़ेगा, ये एफ आ जाएगा, ये सी एफ आ जाएगा, ये एल आ जाएगा। फार्मूला आपको ध्यान होगा, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ एच। एल है हमारे पास 55, ठीक है, इसके आपको नंबर मिलने हैं, एल एफ अलग अलग लिखेंगे तब भी, प्लस एन कितना है 30, 30 का 2 बड़ा लिख लेता हूँ नीचे को थोड़ा बड़ा बड़ा, एल एल कितना है 55, इसके आपको मार्क्स मिलने हैं एफ बराबर 6, एफ बराबर 13 और एन बराबर 30 और एच बराबर कितना है 5, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। फार्मूला क्या है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ एच। आप देखिए यहाँ लिखेंगे 55 प्लस एन कितना है 30, 30 का 2 माइनस सी एफ वो 13 है बटा एफ ए दिया हुआ है और गुना में हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 55 एज इट इज प्लस 15 माइनस 13 बटा 6 5, 55 जमा 6 गुना 5 और ये आ जाएगा, इससे कट कर देंगे 3, 55 जमा 5 बटा 3 और हल करेंगे 55 प्लस 1, 5 एक 3 एकम 3 बच गए 2, 20, ये आ जाएगा हमारे पास 56.6, आंसर आ गया हमारे पास 56.6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब ये सेक्शन ई आ गया या केस स्टडी के क्वेश्चन है, आपका मित्र राहुल 20 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहता है, वह वर्तमान में 51 सेकंड में पूरा कर लेता है, प्रत्येक दिन अभ्यास करने पर वो 2 सेकंड कम करता है, उसे 31 सेकंड में पूरा करना है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक उसे कम से कम कितने दिनों तक अभ्यास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, देखिए ए कितना है 1 और डी कितना है -2, हर बार -2 कर रहा, और हमें ए एन कितना चाहिए 31, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या लगा लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, ए कितना है हमारे पास 51 प्लस एन मुझे फाइंड आउट करना है, D मेरे पास -2 है और 31 हमारे पास आना चाहिए, ठीक है।
एन माइनस वन एज इट इज माइनस टू और 31 माइनस 51 एन माइनस वन, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 20 बटे माइनस दो, कट करके कितना आ गया 10, और एन कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11। यानी कि 11वें दिन को अपना टाइम जो है वो 31 सेकंड ले आएगा। फर्स्ट का आंसर हमारे पास 11 दिन आ जाएगा, हो गया। सेकंड में क्या पूछता है, इस स्थिति में एपी क्या बनेगी। अब एपी क्या बनेगी, अब आपने एपी कैसे बनानी है, देखिए सिंपल सा तरीका है, 51 49 47 45 इस तरह करके आपने 31 तक लिख लेना है, ये एपी बन गई, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यदि एपी का एनवा पद ए एन वन प्लस वन है, इसमें सामान्य अंतर क्या होगा। सिंपल सा है ये भी, अब आपने यहाँ क्या करना, ए एन कितना दिया हुआ है, एन प्लस थ्री, एन प्लस, अब यहां अगर हम ए वन निकालेंगे इंटू वन प्लस थ्री 5 हो जाएगा, ए टू निकालेंगे 2 प्लस 3 7 हो जाएगा, यहां पर सामान्य अंतर कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहां पर सामान्य अंतर हमारे पास, ठीक हो गया। अब अगले पार्ट में वो क्या पूछते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x और x प्लस 10 और 3x प्लस 2 आर द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, दो तीन क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, तो हम यहां पर फिर वही फार्मूला लगा लेंगे, a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2, ठीक है। और ये आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x और 3x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 10, आ जाएगा सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 10 माइनस एक्स, जाएगा 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है, माइनस एक्स से माइनस एक्स काट देते हैं, तो आ जाएगा 10 बराबर है 3x माइनस 8 और 3x आ जाएगा 10, मैं माइनस का कर लेता हूँ, आ जाएगा माइनस 8 माइनस 10 और एक्स आ जाएगा माइनस 8 18 बटे माइनस 3 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पता लग गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। शीला, रेवती, राम और जोसेफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्कूल में सामूहिक योग सत्र के लिए मुख्य मंच पर प्रशिक्षक हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यहाँ चित्र बनाया हुआ है और इनके आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। रेवती शीला की स्थिति, रेवती जोसेफ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, जोसेफ कहाँ है, 7 1 पे, ये नंबर मिलेंगे आपको। अब श्वेता शीला कहाँ है, 4 5 पे, इधर से 4 है ऊपर को 5 है, और राम कहाँ है, 10 5 पर, और रेवती कहाँ है, 7 9 पर, ठीक। अब आगे क्या पूछा उन्होंने, पहले में स्थिति रेवती और शीला की बतानी है, रेवती कहाँ पर है, 7 और 9 पर, और शीला है 5 पर, एक नंबर तो बात का मिल जाए। अब जोसफ और रेवती, रेवती है 7 9 पर और जोसफ है हमारे पास 7 1 पर, दोनों के बीच पता नहीं है, कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस 5 2 माइनस 5 1 का स्क्वेयर 0 हो गया, और यह आ जाएगा माइनस 8 का स्क्वेयर, माइनस 8 का स्क्वेयर कितना होता है, 64, 64 का वर्गमूल 8। अब एस एम के त्रिखंड के बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब एस एम का मतलब 4 5 और 10 5, अब इनके बीच का हमने त्रिखंड निकालना है, 4 5 और 10 5 में कितना आएगा, ये हो गया 1 2 3, आ जाएगा 1 अनुपात 2, आ जाएगा 2 अनुपात 1,
हमने इसके अनुपात फाइंड आउट कर लिया। आपके पास क्वेश्चन उसी में से आएंगे, आपने आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने यूज किया ये x1 y1 m1 m2 x2 y2 x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 x। अब यहाँ पर y1 m2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर लीजिए, m1 4 है, x1 4 है और m2 कितना है 2, x2 कितना है 10, m1 है आ जाएगा 1 प्लस 2 और y1 कितना है 5, m2 कितना है 2, y2 कितना है 5, 1 on 1 प्लस। ये कितना आ गया 4 दुनी 8 प्लस 10 बटे 3, 5 दुनी 10 5 बटे 3 ये 18 बटे 3 और 15 बटे 3 आ जाएगा 6 और 5। यहाँ पर आपने निर्देशांक लिख लेने, किसके निकाले कोई बिंदु लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ S M यहाँ A और B के हमने ए के निर्देशांक निकाले, ए अंक और 5 आ गए। अब हमने निर्देशांक निकालने हैं बी के, अनुपात एक करना है सारे में, इसी में देखो उल्टा कर लेते हैं सारे को, और लगेगा आपको यहाँ 2 और 1, बस जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां 2 लिख देना और जहां पे 2 लिखा है वहां पे 1 लिख देना। सारे में जहां पर m2 है वो 1 बन गया, m1 जो m2 जो है वो 2 बन गया, m1 1 बन गया। 4 एकम 4, 10 दूनी 30, 5 एकम 5, 10 आ गया हमारे पास 3, ये हमारे पास फिर आ जाएगा 15 बटे कट करेंगे कितना आ जाएगा 8 5। अब यहाँ पे बी के निर्देशांक कितने आ जाएंगे हमारे पास 5, ठीक है, के निर्देशांक कितने आ गए हमारे पास 8 और 5। अब अगले में क्या पूछा उन्होंने, सेकंड पार्ट है इसका, अथवा में आर एम जे से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताओ। आर 79 है और जे जो है 71 है और एम जो है 105 है, यहाँ लिख लेते हैं। कौन से बोला इन्होंने, आर एम और आर एम 79 है, एम हमारे पास 10 और 5 है, जे हमारे पास 7 और 1 है, ठीक है। अब आर एम में देखो आप ऐसे इसको यहां से देख लेते, आर और एम इनमें कितना डिस्टेंस है, M और J में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेते हैं। कैसे, RM डिस्टेंस फार्मूला वैसे ही, X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर वर्गमूल, ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा 16, 16 का कितना बन गया 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, ठीक। और इसी तरह हम mj निकाल लेते हैं, यहाँ पे फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यही आपको सारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। टेंस 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर हमने निकालना है RJ, RJ में कैसे निकलेंगे, 7 माइनस 7 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस पाई टू माइनस पाई वन का स्क्वेयर, का स्क्वेयर आ जाएगा 8 का स्क्वेयर, कितना हो गया 64, 64 8। अब दो बराबर है और एक जो है वो अलग है, क्या हो गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज क्या बन जाएगी ये, यह है एक समद्विबाहु ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये इसका अंतिम प्रश्न है। अंडर रूट 3 मीटर ऊंचे टावर से एक सेना का जवान दो जहाजों को संदिग्ध गतिविधियों को देख, एक ही दिशा में उस पड़ रहे हैं, तुरंत इसकी सूचना मुख्यालय को देते। टावर से देखे गए जहाजों के अवनयन कोण 60 और 30 हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टावर के निचले भाग से पहले जहाज की दूरी क्या होगी, टावर के निचले भाग से दूसरे जहाज की दूरी क्या होगी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी तथा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और अथवा में क्या है दूरी BC और ट्रायंगल ABC का परिमाप ज्ञात। अटपटा घुमा के क्वेश्चन दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए ABC यहाँ टावर है, हम ट्रायंगल ABC की ही बात कर लेते, इन ट्रायंगल ABC ठीक। अब ABC में हमने निकालना क्या है, इसी पहले निकालना है ना, ये टावर क्यों वो दिया हुआ, हमें टावर दिया हुआ है और टावर क्यों चाहिए, हमें कितनी दी हुई है अंडर रूट 3। यहाँ देखो टेंजेंट के बराबर होता है पंडित बद्री प्रसाद यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक। टेंजेंट 30 अंडर रूट 3 और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास अंडर रूट 3, बेस AC है, AC किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, कट कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी कि मेरे पास AC जो है वो ये एक नंबर का काम हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABD तरह से टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर बटा बेस, अब टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है 200/3, बेस है AD, और AD कितना आ जाएगा 3 100। ये एक अगला हमारा ये हो गया। अब इसमें हमारे पास कितना आ गया, दूसरे जहाज की दूरी कितनी आ गई 600 मीटर, ठीक है ना, और दोनों का डिस्टेंस भी बताना है कितना डिस्टेंस है दोनों में, यानी कि DC किसके बराबर आ जाएगा 600 माइनस 200 400 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था उन्होंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना लंब, ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन इन्होंने, क्या आ जाएगा हमारे पास 40,000 रूट एरिया। अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC, फिर दोबारा हमने क्या लेना है यहाँ पर इस ट्रायंगल में इन्होंने क्या पूछा है हमसे, हमें BC यहाँ फाइंड आउट करना है, टैन निकालने के लिए BC की दूरी यहाँ पर हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा कॉस यानी के बेस बटा हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आपको ध्यान होगा कॉस 61/2, बेस हमारे पास 200 है, हाइपोटेन्यूज में निकालना है आ जाएगा हमारे पास 100, और पेरीमीटर निकालना है ABC का, ये 200 है और ये हमारे पास 400 है, ये 200 अंडर रूट 3 है तो कितना हो गया 600 है ना प्लस 200 अंडर रूट 3, ट्रायंगल का परिमाप जमा 400 जमा 200 अंडर रूट
कितना होगा, अंडर रूट तीन, अगर 200 कॉमन निकाल लेंगे हमारे पास आ जाएगा 10 अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ यह प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आपके पास हम सेट बी सी और डी हल करेंगे। साइंस के भी आपको हमारे चैनल पर सभी सेट मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, एसएसटी के भी मिलेंगे, हिंदी के ही मिलेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।